अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक चैनल को शार्ट आउट दूंगी, आलियान व्लॉग्स लाइफ इन यूएई। ये एक बहुत ज़बरदस्त चैनल है, इसमें आपको यूएई बेस्ड बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और यूनिक चीज़ें मिलेंगी। ये मेरी कज़न का चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम है मारिया और आज की जो मेरी वीडियो है ना वो एक ब्रांड है, एमिनेंट एक ब्रांड है जी, मेकअप का ब्रांड है जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, मतलब बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि, और मुझे भी नहीं पता था इस ब्रांड के बारे में। वो इस ब्रांड के बारे में तब पता चला जब चेज़ वैल्यू से मैंने जो है ना मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया था और मिस्ट्री बॉक्स में एमिनेंट के प्रोडक्ट्स आएंगे तो मुझे पता चला था एमिनेंट की प्रोडक्ट होती है, इससे पहले मुझे नहीं पता था। ठीक है जी, एमिनेंट की मुझे 3 प्रोडक्ट मिस्ट्री बॉक्स में मिली थी तो मैंने कहा था मैं इसके एक रिव्यू दे दूँगी, तो मैंने ये चीज़ें यूज़ करी हैं, उसके बाद फिर मैंने कहा मैं आपको रिव्यू दूँ कि ये चीज़ें कैसी हैं, इनकी प्राइस रेंज क्या है, और वीडियो के आखिर में जाके मैं आपको बताऊँगी कि एमिनेंट प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेंगी और बेसिकली ये हैं किन की, कौन सी कंपनी की है, ये आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 3 चीज़ें मुझे मिली थी, जिसमें सबसे पहले मुझे ये लिप ग्लॉस मिला था। चलिए पहले इसी को रिव्यू कर लेते हैं। ये एक लिप ग्लॉस है पिंक कलर का, मैं काफ़ी देर तक पहले इसको भी खोलती रही कि शायद ये खुल जाए, लेकिन ये एज ए कलर के लिए इन्होंने बस दिया हुआ हमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसकी जो प्राइस थी, प्राइस में जो है ना वो स्क्रीन पर बाद में लगा दूंगी, मुझे प्राइस की याद नहीं आ रही है वैसे कितने का मुझे पड़ा था, और मिस्ट्री बॉक्स में आफ्टर डिस्काउंट के बाद मुझे कितने का पड़ा था, मैं प्राइस रेंज नीचे यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए। ठीक है जी, ये इस तरह की मुझे लिप ग्लॉस इसकी मिली थी एमिनेंट क्वालिटी, और इसका कलर जो है ना वो कलर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो ये बड़ी प्यारी सी है, मतलब देख सकते हैं बड़ी अच्छी सी लुकिंग है। ठीक है, अब लिप ग्लॉस जब खोलते हैं तो ये पिंक कलर का लिप ग्लॉस है, काफ़ी मिकदार में लगा कर आपको दिखा देती हूँ ताकि इसका कलर अच्छे से आपको नजर आ जाए। ये देखिए पिंक कलर के इस कलर का है, और होठों पे लगने के बाद ना ये बहुत लाइट सा पिंक कलर आता है। मैं अपनी छोटी सी बेटी है ना 3 साल की मादिया, उसको भी लगा देती हूँ क्योंकि काफ़ी प्यारा बारबी डॉल टाइप कलर, जैसे बारबी कलर होते हैं ना बच्चियों के, छोटे छोटे से बच्चियाँ लगाती हैं कलर, उस तरह का ये कलर है और काफ़ी अच्छा पिंक कलर है। कभी कभी मैं भी लगा लेती हूँ, बट ये मुझ पर सूट नहीं करता, ये छोटे बच्चे पर ज़्यादा सूट करता है, तो मैं अपनी बेटी को एक बार ये लगाती हूँ। और मतलब छोटी लड़कियां जो हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो अपने लिप्स जो हैं वो टिंट के अलावा भी कुछ ग्लॉसेस इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ये इस्तेमाल कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देर तक रहता भी है, आपकी पिगमेंट भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है जी, तो ये इसके प्राइस रेंज में लगा दूँगी, सबसे पहली चीज़ तो इसकी ये थी। सेकेंड चीज़ जो मुझे मिली थी ना वो एमिनेंट का ये ब्रॉन्जर मिला था, गंदा हो रहा है लिप पीछे से, ये ब्रॉन्जर मुझे मिला था और ये ब्रॉन्जर का नंबर है 002। ठीक है, ये ब्रॉन्जर मैंने अपने फेस पे लगाया था, लेकिन ये मेरे फेस के कलर के हवाले से जो है ना काफ़ी थोड़ा डार्क है, तो मैं थोड़ा लाइट ब्रॉन्जर लगाती हूँ, तो ये जो है ना ये ब्रॉन्जर मेरे पे नज़र आ जाए आपको, तो ये मेरे फेस पे ना मैंने लगाने की कोशिश करी थी, ये उठता नहीं मेरे फेस पे ये ब्रॉन्जर जो है, तो आई डोंट नो वाई कि मेरे फेस पे नहीं उठता, बट क्योंकि भाई ये मुझे मिस्ट्री बॉक्स में मिली थी तो मेरे फेस रेंज के वाले से तो ज़्यादा से बात नहीं मिला होगा ना, लेकिन मैं इसको एज ए ब्रॉन्जर मैंने इस्तेमाल किया था तो मेरे फेस पे ये नहीं उठता, लेकिन ये जिनका कलर जो है ना वो मीडियम टू डार्क की तरफ है या मीडियम है उन पर आई थिंक ये ब्रॉन्जर ज़रूर उठेगा। ये वीडियो में आपको बहुत लाइट कलर नज़र आ रहा है, लेकिन सामने से ये बहुत डार्क कलर है, ठीक है जी, बहुत डार्क कलर मेरे पास हाथों में जा रहा है, बहुत डार्क कलर है ये, तो वीडियो में अक्सर आपको लाइट नज़र आ रहा हो लेकिन डार्क कलर है ये, तो ये वैसे तो मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रखा हुआ कि फिर शायद किसी काम आ जाए, या मैं अपने किसी व्यूअर्स को दे दूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता दें कि मैं आपको भिजवा दूँगी, ये एमिनेंट का ये ब्राउन्जर है। ठीक है जी, अच्छा जी, इसी चीज़ की जो मेन चीज़ आ जाती है ना वो मेन चीज़ है इसकी, ये पैलेट जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे बहुत ही काम की है, मैं किसी को नहीं देने वाली क्योंकि मेरे बहुत ही काम की है ये। इसमें कुछ इस तरीके से है कि ये पैलेट जो है ना हमको पैलेट की एक वैसे पैकिंग दिखे, पहले बड़ी ही प्यारी बड़ी ही नफीस सी कोई पैकिंग है, लगता है इसके अंदर कोई गोल्ड की ज्वेलरी रखी होगी, इसकी जो ये है ना ये बड़ी चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, लेदर का बना हुआ लगता है मुझे, काफ़ी अच्छा है, एमिनेंट इंस्पायरिंग क्वालिटी पीछे लिखा हुआ है, इसके पीछे लिखा हुआ है भाई सेट इंक्लूड्स 6 आई शेडो, 6 लिप कलर, 3 ब्लश पाउडर एंड 3 हाईलाइटर, ये आपको 3 मिलते हैं। ये बहुत सारी इसकी लिखी है, इसमें जो इसकी प्राइस रेंज लिखी है ना वो लिखी हुई है 995 के, जैसे कि 995 आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक 600 या 400 का कुछ मिला था आई थिंक,
इस पैलेट को जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर बड़ा ही प्यारा सा एक लुक आती है। वो लुक कुछ इस तरह से कि हमें एक शीशा दिया हुआ है, उसमें बड़ा प्यारा सा शीशा दिया हुआ है, उसके कॉर्नर पे जो है ये बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है, बड़ी शहाना सी लुक आती है इसको देख के। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। इसके अलावा इसके ऊपर एक प्लास्टिक भी थी जो कि मैंने हटा दी क्योंकि मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। सो इसमें सबसे पहले हम अगर आ जाते हैं तो इसमें हमें 6 शेड्स दिए हुए हैं, ये 6 आई शेड हैं। ये आई शेड हैं, इसके मैं कलर आपको स्वैच करके भी दिखा देती हूँ सारे कलर, लेकिन उससे पहले मैं टिशू लेकर आती हूँ, रुक जाना, अपना हाथ साफ कर लूँ, आपको सारे कलर स्वैच करके दिखाती हूँ। टिशू मैं ले आई हूँ, मैं एक कलर साफ कर लेती हूँ, सही मैंने कलर साफ कर लिया, ये कलर मैं आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ। इसमें आपको दो जो है ना, दो कलर जो है वो आपको मिलते हैं मैट पे, और ये 4 कलर जो है ना वो आपको शिमर पे मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले शिमर शेड की मैं स्वैच करके दिखा देती हूँ आपको। ये थोड़ा सा जो है वो डल गोल्ड पे है, ये भी डल गोल्ड सा है, ये कॉपर है, और ये है आपका ग्रे कलर, सही है। और ये देखिए तीनों के स्वैच कितने ज़बरदस्त कलर है ना, प्यारे से, ये भी बहुत प्यारा कलर है, ये भी, ये तो बहुत ही प्यारा कलर है, ये कलर बहुत ही प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे कलर हैं चारों जो शेड हैं इसके। ठीक है, और मैं इसके बाद में आपको इसके जो दो मैट कलर है वो भी दिखा देती हूँ। ये बहुत लाइट सा है और ये थोड़ा डार्क ग्रे पे है, वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये कितना प्यारा है, इसकी पिगमेंट कितनी प्यारी है, पिगमेंट्स बहुत प्यारी हैं इसकी, मतलब कोई भी आपको पाउडरी और चौकी लुक नहीं आ रही। कुछ कलर्स होते हैं जिसमें थोड़ी चौक सी लुक आ रही होती है, लगता है चौक पीस के डाल दिए। अच्छा जी, तो मैं साफ कर लेती हूँ कलर, ताकि मैं आपको हाथ के हाथ इसके चॉइसेस भी दिखा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है ना, नेक्स्ट चीज़ इसके आ जाती है, ये 4 लिप कलर, चारों ऑसम है। जो मेरा मोस्ट फेवरेट है ना वो ये कलर, इसको लगा के इतना प्यारा शेड आपके लिप पे आता है ना, बहुत प्यारा ये मरून शेड आता है लिप में। अच्छा, इन्होंने जो है वो सारे बेसिक कलर दिए हुए हैं जो हम अक्सर लगाते रहते हैं, एक रेड है, एक ऑरेंज है, पिंक है, डार्क पिंक है, मरून है, और लाइट ब्राउन सा है, समझ लें। ठीक है, इसके भी स्वैच मैं आपको दिखा देती हूँ सारे कलर्स के स्वैच। मरून कलर दिखाऊंगी, सबसे पहले है हमारे पास ये लाइट कलर, ठीक है, उसके बाद ये है पिंक, डार्क पिंक, ये भी बहुत प्यारा है, उसके बाद है ये लाइट, अच्छा ये ऑरेंज कलर, अच्छा ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये पिंक है, और ये आ जाता है हमारा, ओहो ये दो कलर मिक्स हो गए, सॉरी ये दो कलर मिक्स हो गए हैं, साथ में हम दोबारा से दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये है जी कलर, और इसके अलावा जो कलर है ये मरून जो मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है ना, उसका कलर वो ये है। जस्ट लुक एट दिस कलर, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सारे लिप्स की जो पिगमेंट है बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी पिगमेंट आप लोग देख सकते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग पिगमेंट, सारे पिगमेंट बहुत प्यारी हैं। और जो मैं फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रही होती हूँ ना, वो ये पिंक कलर और ये कलर मैं बहुत इस्तेमाल कर रही होती हूँ। ठीक है जी, ये आपके लिपस्टिक के पिगमेंट्स आ गए। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, मैं अपने पहले हाथ साफ कर लूँ, उसके बाद आपसे आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं, मैंने हाथ साफ कर लिया, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके हाइलाइटर पे। इसके तीनों हाइलाइटर मोस्ट बहुत बहुत ही अच्छे, मतलब एक जो ये वाइट वाला हाइलाइटर है ना, और ये वाला हाइलाइटर मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तीनों ही हाइलाइटर बड़े प्यारे हैं, तीनों हाइलाइटर की मैं स्वच दिखा देती हूँ, स्वैच बहुत ही प्यारे हैं। ये वाला हाइलाइटर जो है ना, वो मैं अपने ब्रोबोन और इनर कॉर्नर पर ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला हाइलाइटर जो अपनी चीक्स पे इस्तेमाल करती हूँ, ये वाला भी चीक्स पे और नोज़ पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब तीनों ही हाइलाइटर बहुत ही प्यारे हैं इसके, बहुत ही ज़बरदस्त इसके हाइलाइटर हैं। इसके ब्लशेस पे आ जाते हैं, तो एक थोड़ा जो है वो थोड़ा हाइलाइटेड है, और थोड़ा दो जो है ना वो मैट में है, और ये वाला कलर बहुत प्यारा है, वाला कलर बहुत प्यारा है, मैं कभी कभी तीनों को लगा लेती हूँ। ठीक है, अच्छा ब्लश के भी मैं आपको स्वैचेस दिखा देती हूँ, 1, 2, 3। ठीक है जी, इसके भी मैं आपको स्वैच दिखा देती हूँ, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल कलर, ये देखें कलर कितने प्यारे कलर के। ठीक है जी, आपका आपको नज़र आ रहा हो, मैं करीब से दिखा देती हूँ। ठीक है जी, तो ये थे इसके मुकम्मल स्वैचेस जो मैंने आपको दिखा दिए करके कि भैया इस तरह के स्वैच है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि काम किस तरह करेगा। अगर आप इसके आई शेड्स की बात करें तो उसमें आप स्मोकी लुक बहुत ही प्यारी बना सकते हैं। स्मोकी लुक के लिए आप ये दो शेड इस्तेमाल करें, और इनर कॉर्नर के लिए ये शेड इस्तेमाल करें, बहुत ही प्यारी लुक आएगी ये। आप स्मोकी लुक के ऊपर ये भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आप इसे एक ग्लैम लुक भी बना सकते हैं। अगर आप इनर कॉर्नर पर ये डार्कर शेड रखते हैं और आउटर कॉर्नर के तरफ थोड़े से ये दो शेड मिला के इस तरह से कर लें,
ऑसम लुक आएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आप दो तीन लुक से और अच्छी क्रिएट कर सकते हो। लिप कलर पे आते हैं, लिप कलर तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ईजी जो है ना वो ये दो कलर बहुत ज़्यादा और इतने ईजी टू यूज़ है ना ये, कि मतलब फ़ौरन से आपने खोला ये शीशा आपके सामने मौजूद है, आपने ये दो कलकों से बेकर अपनी उंगली पर लगा जल्दी ली। अगर आपको फ्रिक्वेंटली कहीं जाना है, फ़ौरन से कहीं जाना है, तो आपको टाइम वेस्ट किए बगैर आपने जल्दी से कलर उंगली पर लगाया और फ़ौरन से मैंने होठों पर लगा लिया, जैसे आप वेजलिन वगैरह यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ फॉर दिस। इसके अलावा तीन हाईलाइटर के भी मैंने आपको बता दी कि मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ, तीन इसके ब्लश भी मैं किस तरह इस्तेमाल करती हूँ मैंने आपको बता दिया। मतलब फुली एक पैकेज है ये, अच्छा से ये बेस्ट है उन लोगों के लिए, ब्राइडल किट के लिए बेस्ट है। अगर आप एज ए ब्राइडल किट के तौर पर ये रखना चाहते हो तो वैसे तो इसमें आई शेड्स कम है, आई शेड्स के लिए आप एक छोटी ब्राइडल छोटी सी किट ले सकते हो, लेकिन वैसे ये ब्राइडल किट के तौर पर ना ये बहुत ही बेस्ट है। आप इसको ब्राइडल किट के तौर पर या आप ऐसे किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हो तो वो भी बहुत बेस्ट है। और कॉम्पैक्ट है, आराम से जो है ना इस तरह पतला सा है, एक पर्स के अंदर आपके आराम से ये आ जाते हैं, बुक के तौर पर आ जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा इजी तो होंगे, लाइट वेटेड है और सबसे अच्छी चीज़ की इसकी लुक बड़ी प्यारी है, मुझे बड़ी प्यारी लुक लगती है इसके लिए ना, बड़ी चीज लुक आती है। खैर जी, अब बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज पे, तो मैं आपको प्राइस इसकी बता दीजिए 995 की प्राइस मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है जी, इसके अलावा आपको बता दूँ एमिनेंट है किसकी प्रोडक्ट, एमिनेंट जो बेसिकली आपको सिर्फ चेज वैल्यू पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, बेसिकली है प्रोडक्ट चेज वैल्यू की, या ये पेड पार्टनर्स हैं आपस में, या ये एमिनेंट अभी तक कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा था तो उसने फिर चेज वैल्यू का सहारा लिया, जो भी है कैसे भी है, बट ये आपको सिर्फ अभी चेज वैल्यू पे ही मिलेगी। क्या पता ये आगे अपना नाम बना ले और आगे ये अपना इंडिविजुअली जो है वो मतलब इंडिविजुअली तो नहीं, इंडिविजुअली भी अपना चीज़ें बेचनी शुरू करते और बहुत सारे सुपर मार्केट सुपर स्टोर से भी अपनी चीज़ें बेचनी शुरू करते। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया बेसिकली ये है किसका। ये थी मेरी छोटी सी रिव्यू अबाउट एमिनेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, और मैंने इस्तेमाल किया खुद बड़ा, तो मुझे ये पैलेट बहुत पसंद आई है। आप एक पैलेट बाय कीजिए, बहुत अच्छी है ये पैलेट और इससे अच्छी सी लुक क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। और हाँ, एक और मैं आपको बात बताऊँ, मैं कभी कभी जो है ना ये वाला जो कलर है ना, ये वाला मेरा जो कलर है, कभी कभी जो मैं आईब्रो पे भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी बहुत लाइट सा। ठीक है, और सेटिंग के लिए ये यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी लाइट सा, ये भी काम आ जाता है हमारे। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए थोड़ी फायदेमंद रहेगी। अगर आप लोग कॉन्शियस है कि भाई एमिनेंट प्रोडक्ट जिन जिन ने चेज़ वैल्यू के ये मिस्ट्री बॉक्स मंगवाए थे या चेज़ वैल्यू जाते हैं तो आपको सामने से ये पड़ी हुई नज़र आती है, सो बाय कर सकते हैं आप लोग, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।